थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग कहें धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। आए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु जी, आज का दिन आपने हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन सब लोगों को हमारे बीच में लेकर आए, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि आप जानते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 लोगों की लिस्ट आई है और मैं उनके लिए जानता हूं उन्हें क्या चाहिए, लेकिन बाकी सैकड़े लोगों के बारे में मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या क्या चाहिए और वो क्या पाने के लिए आपके चरणों में आए हैं। मेरे परमेश्वर पिता, उनके बारे में आप जानते हैं, इसलिए वो जो कुछ भी मांगते हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। मेरे परमेश्वर पिता, आज इस वचन पर आशीष करें, आए और हमसे बातें करें। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। सब लोग कहें हमें आपकी जरूरत है। हे परमेश्वर पिता, हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हे परमेश्वर पिता, आज चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे लिए हो। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं। सब लोग कहें आमीन। हालेलुया। रिबारा साबरो सो बनी सी बिरी शिखारा सबला सा खबर और अब सो आए एक वचन देखते हैं हम लोग। पहले भजन संहिता 68 पंजाबी में 60 और 8 भजन संहिता 68 और उसका 28 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहें हालेलुया। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम्हें सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। इसलिए सब लोग को है सामर्थ, 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 शक्ति, पावर, पावर। हालेलुया। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे, तुझे इधर से बाज कमाती है। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आप लोग बोलिए, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मुझे सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ मिले। अपने लिए आप कहें मेरे परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है मुझे, मुझे। अपनी छाती पर हाथ रख के बोलिए मुझे, मुझे सामर्थ मिले, सामर्थ मिले। मेरे परमेश्वर ने, 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 मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मुझे सामर्थ मिले। हालेलुया। रिपरासा बरासा खबर नमा। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है
कि तुझे आज सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे आज सामर्थ मिले। मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मुझे आज सामर्थ मिले। हालेलुया। क्या आप सामर्थ पाने के लिए तैयार हैं? सामर्थ पाने के लिए तैयार हैं? सामर्थ पाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दी है कि तुम्हें सामर्थ मिले। आपको सामर्थ पाने के लिए तैयार हो जाना। रसा बालो सोबोनी सी बिरी सिक्की बिरी रे बिशी दिरी बिसी बाला बाला दा बाला लबा रुबोनी ती बिरी रे बिते रे गिद गिरे रे बिशी दिरी रे बिते रे बिते गिरे रे बिशी दा बाला बाला लबा 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 लबा। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है तुझे सामर्थ मिले। क्योंकि प्रेरितों के काम एक अध्याय और आठ वचन में लिखा है कैसे सामर्थ मिलेगी, कैसे सामर्थ मिलेगी? दस रोटियां खाने से कैसे सामर्थ मिलेगी? प्रेरितों के काम एक आठ में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु की तारीफ करें, तारीफ करें, धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग मुंह खोलकर धन्यवाद करें। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और उसी सामर्थ को देने के लिए तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि आज तुझे सामर्थ मिले, आज तुझे सामर्थ मिले, आज तुझे सामर्थ मिले, आज तुझे सामर्थ मिले। सब लोग कहे हां आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, पहला करंथियों चार अध्याय उसका बीस वचन। पहला करंथियों चार अध्याय उसका बीस वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। कोई तो बोलो हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। सामर्थ में है। बहुत जगह पर अपने जाते हैं, चर्च की बात नहीं कर रहा, चर्च के अलावा बहुत जगह पर जाते हैं। जब जाते थे ऐसा कहूं तो वहां पर क्या होता है, बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, बातें 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 बातें, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, ऐसी 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 बातें करते रहते हैं। आपको मालूम है उन बातों को लोग क्या कहते हैं? प्रवचन। सिर्फ बातें होती हैं लेकिन सामर्थ नहीं होती। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। हालेलुया। और
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और वो परमेश्वर हमारा, तेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दे दी है कि तुझे सामर्थ मिले। एक वचन और पढ़िएगा, पहला थसलनीकियों 1:4-5, पहला थसलनीकियों 1:4-5। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। 4-5 पूरी पढ़नी है, कोई लानी चाहिए। पहला थसलनीकियों 1:4-5 पूरा। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम भी चुने हुए हो। आप चुने हुए हो, हाँ, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। तुम्हारे पास सुसमाचार जब पहुंचा तो शब्दों से नहीं पहुंचा कि परमेश्वर मसीह जी महान प्रभु हैं, परमेश्वर मसीह जी उद्धारकर्ता, सिर्फ शब्दों से नहीं पहुंचा बल्कि बड़े सामर्थ के साथ पहुंचा है। हालेलुया। इफिसियों 3:16 उसका 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता में, उसकी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर मसीह की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। कौन सी सामर्थ? पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने पहले आज्ञा दे दी है, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ मिले, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ मिले। इफिसियों 2:12-13-14, इफिसियों 2:12-13-14। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। उस समय मसीह से तुम अलग थे, पहले मसीह से अलग थे, पहले मसीह से अलग थे, हम परमेश्वर से अलग थे, हम परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। जब हम मसीह से अलग थे तो क्या था साथ में? प्रतिज्ञाओं के भी वारिस नहीं थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के भी भागीदार नहीं थे। आशाहीन, पहले आशाहीन थे, कोई आशा नहीं थी, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, परमेश्वर है या नहीं है, ये परमेश्वर है, हो सकता वो है, ये है वो है, पहले वाचाओं के, प्रतिज्ञाओं के भागी ना थे हम लोग। और जगत में ईश्वर रही थे, पहले जगत में क्या थे? ईश्वर रह थे, हमारा परमेश्वर नहीं था हमारे पास, हम परमेश्वर को जानते पहचानते नहीं थे। पर अब मसीह यीशु में तुमको जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो।
पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए हो, निकट हो गए। पहले दूर थे, ईश्वर रहते प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं थे, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। पहले प्रतिज्ञाओं के वारस नहीं थे, पहले पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में जितनी प्रतिज्ञा हुई हैं उनके वारिस नहीं थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के वसीले के द्वारा हम सारी प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं, सारी प्रतिज्ञाओं के भागीदार हैं। सारी वाचाएं जो परमेश्वर ने बांधी हैं, जितनी भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की हैं, उनकी क्या है, हम भागीदार हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:39 प्रेरितों के काम 2:39 क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है, ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि पहले तो प्रतिज्ञाओं के वारस हम नहीं थे, पहले तो हम ईश्वर रह थे, पहले तो हम परमेश्वर से दूर थे, पहले तो हम परमेश्वर को जानते पहचानते नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, और पहले जो हम प्रतिज्ञाओं के वारस नहीं थे, अब क्या है, प्रेरितों के काम 2:39 कहता है, अब ये प्रतिज्ञा मेरी और मेरी संतानों के लिए, ये प्रतिज्ञा तुम्हारी और तुम्हारी संतानों के लिए है। हालेलुया। यहां पर जो प्रतिज्ञा की गई थी वो प्रतिज्ञा किसके लिए है, आपके लिए है। हालेलुया। और यहां पर क्या प्रतिज्ञा की गई थी, यहां पर यह प्रतिज्ञा की गई थी योएल नबी के द्वारा, पढ़ना क्या प्रतिज्ञा थी, थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेना, यहां योएल नबी के बारे में लिखा क्या प्रतिज्ञा थी, कि अंत के दिनों में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इससे पहले पेज पर योएल नबी ने जो प्रतिज्ञा लिखी है उसको बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो क्या प्रतिज्ञा, कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहते हैं मैं अपना पवित्र आत्मा सब प्राणी पर ले लूंगा। हालेलुया। हां बस पढ़ पढ़ परमेश्वर कहता है, हाँ, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा कि अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, ये प्रतिज्ञा की बात हो रही है। तो पहले तो हम इस प्रतिज्ञा के, कौन सी प्रतिज्ञा, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को ढेलेंगे सब पर, उस प्रतिज्ञा के पहले तो हम वारस नहीं थे क्योंकि हम ईश्वर रह थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अब प्रभु यीशु मसीह से बपतिस्मा पाने के द्वारा, अब हम इस प्रतिज्ञा के भी वारस हैं। हालेलुया। कौन सी प्रतिज्ञा के, परमेश्वर अंत के दिनों में पवित्र आत्मा से भर देंगे। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के बारे में थी और उस समय पूरी हो रही है 2 में, उस प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहे थे। तो 2:39 में क्या लिखा है, प्रेरितों में, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है।
यह प्रतिज्ञा, इसको हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं, आप मेरे पीछे बोलिएगा, यह प्रतिज्ञा मेरे और मेरी संतानों के लिए है। हालेलुया, सब लोग ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। यह प्रतिज्ञा इधर वाले बोलिएगा, यह प्रतिज्ञा इधर बात ज्यादा आती है, ठीक है, इधर अभिषेक भी ज्यादा होगा इसका मतलब। यह प्रतिज्ञा मेरे लिए और मेरी संतानों के लिए है। पहले हम प्रतिज्ञाओं के वारस नहीं थे, पर यीशु मसीह के द्वारा वारस हुए। कौन सी प्रतिज्ञा? पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। हालेलुया, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और आज तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुम्हें सामर्थ मिले। आज तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुम्हें सामर्थ मिले। आज तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुम्हें सामर्थ मिले। जो ग्रहण करेंगे वो ले जाएंगे आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रतिज्ञा बोलिएगा, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा मेरे लिए है, सामर्थ की प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये प्रतिज्ञा मेरी संतानों के लिए है, मेरी संतानों के लिए है। यह प्रतिज्ञा आपके लिए है, यह प्रतिज्ञा आपके लिए है, यह प्रतिज्ञा आपके लिए है। जो आपके साथ बैठा है, इधर बैठा है और इधर बैठा है, उसे बोलिए, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा आपके लिए है। सभी लोग जितने भी आपके पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे से कहिए, पंजाबी में कहिए, इंग्लिश में कहिए, हिंदी में कहिए, हमारे बीच में उड़ीसा से आए हुए हैं उड़ीसा में कहिए, अहमदाबाद से आए हुए हैं किसी भाषा में बोलिए, गुजराती में बोलिए, ठीक है, नहीं समझ आएगा तो भी कोई बात नहीं, आप कहें, आपके पड़ोसी से, इधर वाले से, इधर वाले से भी, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा तेरे लिए है, 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 सामर्थ की प्रतिज्ञा तेरे लिए है, सामर्थ की प्रतिज्ञा तेरे लिए है। आज परमेश्वर ने, आज परमेश्वर ने, आज परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुझे सामर्थ मिले। आज परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है, अपने पड़ोसी से कहें, आज परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुझे सामर्थ मिले, कि तुझे सामर्थ मिले, कि तुझे सामर्थ मिले, तुझे सामर्थ मिले। आज परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है, बरसा बला सखा बरा लबा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है के अंत के दिनों में अपने सब लोगों को पुत्र आत्मा की सामर्थ से भर दूंगा। रो सब सबरा 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 रोसी पीरी, यह प्रतिज्ञा आपके लिए है, यह प्रतिज्ञा आपके लिए है, परमेश्वर की पुत्र आत्मा की प्रतिज्ञा आपके लिए है, सामर्थ की प्रतिज्ञा आपके लिए है। आज पुत्र आत्मा को ग्रहण करें, आज पुत्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करें, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुझे सामर्थ मिले। पूरी बारा बासा बाला सखा बारा रा बारा रा बाला बाला ला बाला ला बाला ला पूरी बेरे रे बेरे रे बेते केरे रे बिशे दे बेरे रे बिशे दा बाला बाला ला बाला ला बाला ला पूरी मिते बेरे ने मिते रे बेते केरे रे बिशे दे बेरे रे बिशे दा बाला बाला ला बा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। रोसा भरोसा खा बना सो
प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। पहले 3 पढ़ेंगे। उन्हें आके से जीबे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक परा ठहरी। हालेलुया। पेंतिकुस्त के दिन, पेंतिकुस्त के दिन उन्हें आग की सी जीपे स्वर्ग से आती हुई। सब लोग समझिएगा ध्यान से, यहां कोई तांत्रिक नहीं है जो जब आप जाओगे बीज बांटता रहेगा, लोग बीज ले लो, बीज ले लो, बीज ले लो और बस जाओ छुट्टी। फिर से पढ़ना प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 और 4 वचन। उन्हें आग की सी जीबे, उन्हें आग की सी जीबे फटती हुई दिखाई दी, फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी, उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। हालेलुया। स्वर्ग से, स्वर्ग से आग की सी जीबे फटती हुई उन्हें दिखाई दी, जितने लोग वहां प्रार्थना में थे, और वो आग, जो आग की जीपें जैसी थी, वो हर एक के ऊपर ठहर गई। और फिर क्या हुआ? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके बाद क्या हुआ? और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पहले उन्होंने दर्शन देखा कि आग किसी जीपें फटी हुई उनके ऊपर, फटती हुई उनके ऊपर आ रही हैं, और फिर वो पवित्र आत्मा से भर गए और फिर अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा जब उतरेगा फिर सामर्थ मिलती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उस दिन हुआ था, कब हुआ था? पिंतेकुस्त के दिन। हालेलुया। क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने आज्ञा दे दी थी, उनके परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उन्हें सामर्थ मिले। हालेलुया। और आज आपके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुम्हें सामर्थ मिले। आज क्या होगा? आज आप पर आग की सी जीपें फटती हुई दिखाई देंगी। आज आप पर आग की सी जीपें फटती हुई दिखाई देंगी और आप में से हर एक पर ठहर जाएंगी। आप सब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और जैसे पवित्र आत्मा को बोलने की शक्ति देगी, आप अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू हो जाएंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 और 4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे ही पढ़िएगा। आज हम पर आग की सी जीपें फटती हुई दिखाई देंगी और हम पर, मुझ पर ठहर जाएंगे। मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा और जैसे पवित्र आत्मा मुझे बोलने की सामर्थ्य देगा, मैं अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाऊंगा, मैं अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाऊंगा, मैं अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाऊंगा, जैसे यहां पर हुआ है। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आ किसी जीबे मुझ पर ठहर जाएंगी, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। आप लोग भी कहें मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, जैसे यहां लिखा हुआ है मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। सब लोग कहें, जो लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, जो लोग सामर्थ को पाना चाहते हैं, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। आज 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 मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। और जैसे पवित्र आत्मा मुझे बोलने की सामर्थ देगी, जैसे पवित्र आत्मा मुझे बोलने की सामर्थ देगी, मैं नई नई भाषा बोलने लग जाऊंगा, मैं नई नई भाषा बोलने लग जाऊंगा, मैं नई नई भाषा बोलने लग जाऊंगा। आज मैं नई नई भाषा बोलने लग जाऊंगा, आज मैं नई नई भाषा बोलने लग जाऊंगा। आप बोलिए आज 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 मैं नई नई भाषा बोलने लग जाऊंगा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा मेरे लिए है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा मेरे लिए है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा मेरे संतान के लिए है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा मेरे चर्च के लोगों के लिए है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा आपके लिए है। क्योंकि आज तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुझे सामर्थ मिले, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुम्हें सामर्थ मिले। कुछ लोग कहते होंगे अरे हम तो इसलिए आए हैं कि हमारे दर्द दर्द होती थी, दर्द ठीक हो जाए। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो गठिया बाह है वो ठीक हो जाए, हम तो इसलिए आए हैं, पवित्र आत्मा के लिए नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो गांठ है इसलिए हम लोग आए हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे तो ये समस्या है इसलिए हम लोग आए हैं। मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मुझे जो सूचना दी गई हजारों किलोमीटर से सैकड़ों किलोमीटर से कोई आए हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए। उड़ीसा से भाई आया है, वो कहता मैं बुधवार को चला था और शनिवार पहुंचा हूं, लेकिन कुछ लोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए आए हैं। हो मेरा तो सिर दर्द होता था और यहां तो पवित्र आत्मा की बात हो रही है। मेरे घर में तो लड़ाई झगड़ा होता था, मैं तो उसके लिए आया हूं कि शांति मिले, यहां तो पवित्र आत्मा की बात हो रही है। मैंने सोचा था कि मुझे नौकरी मिल जाए, यहां तो सामर्थ्य की बात कर रही है। तो मैंने सोचा था कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा इसलिए मैं आया हूं, लेकिन ये तो पवित्र आत्मा की बातें कर रहे हैं। लुका 6 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़िएगा, लुका 6 अध्याय 18 और 19 वचन। जो उसके सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे। जो लोग वचन सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए आए थे वो वहां थे। हालेलुया। आज आप भी लुका की इंजील 6 अध्याय 18 और 19 वचन, और आज भी आप प्रभु की सुनने और बीमारियों से चंगा होने के लिए यहां आए हैं, या समस्याओं से चंगा होने के लिए यहां आए हैं। हाँ, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। दुष्ट आत्मा वाले भी वहां थे, जिनमें भूत था, मसानी थी, जादू टूना था, वो लोग भी वहीं थे। आप में भी यहां आप प्रभु के पास आए हो, तो प्रभु यहां है। आप सोच रहे होंगे हम तो बीमारी के लिए आए हैं, हम तो दुष्टात्मा के छुटकारे के लिए आए हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम तो दुष्टात्मा के छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारियों से चंगाई पाना चाहते हैं,
और यहां तो पवित्र आत्मा के बारे में, सामर्थ्य के बारे में चर्चा की जा रही है। हाँ पढ़िएगा 18 और 19 एक साथ पढ़ दिए। जो उसके सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सब प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से क्या निकल रहा था, क्या निकल रहा था, क्या निकल रहा था, सामर्थ। और वो सामर्थ निकलती थी, लोगों को चंगा कर देती थी, चाहे वो दुष्ट आत्मा वाला है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई पीड़ा है, कुछ भी है, सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से निकलती थी, लोगों को चंगा करती थी। हालेलुया। तो आप किसी भी बीमारी के लिए आए हैं, किसी भी समस्या के लिए आए हैं, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकलती थी और वो लोगों को चंगा करते थे। और उसी सामर्थ की चर्चा आज मैं कर रहा हूं। हालेलुया। वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से निकलती थी, वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से निकलती थी, लोगों को चंगा करती थी, बीमारियों से चंगाई देती थी, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देती थी, वो सामर्थ, उसी सामर्थ के बारे में मैं कह रहा हूं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी के वो सामर्थ तुम्हें मिले हैं, वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी और वो सामर्थ निकलती थी और बीमारियों को चंगा करती थी, वो सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वही सामर्थ जो लोगों को चंगा करती है, जिससे दुष्ट आत्मा भागते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, लोग सफलता पाते हैं, वो सामर्थ। और सामर्थ कैसे आएगा, जैसे प्रेरित 1:8 में हम लोगों ने पढ़ा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। लोग सोचते हैं ओ हम तो बीमारियों के लिए आए थे, पीड़ा के लिए आए थे, दुखों के लिए आए थे, हम तो चाहते हैं हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो, और यहां तो पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ की बात हो रही है। लुका 1:35 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तो एक बेटा देगी, वो कहते ऐसे भी कभी होता है, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं किसी मर्द को नहीं जानती हूं, जब से आदम पैदा हुआ और परमेश्वर ने बनाया और हवा को बनाया, उसके बाद पहला लड़का कैन हुआ, कैन से लेकर हजारों हजारों सालों से लेकर आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये कौन सी बात है जो आप कह रहे हैं कि तेरे बेटा होगा, ऐसे थोड़ा हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा उस आश्चर्य कर्म करने के लिए जो सदियों से कभी नहीं हुआ, जो आश्चर्य कर्म, जो चमत्कार कभी नहीं हुआ, उस चमत्कार करने के लिए पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। स्वर्गदूत कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर उतरेगी। हालेलुया। और बड़ा चमत्कार होगा जो कभी नहीं हुआ, कुआरी मरियम से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो हो सकता आप सोच रहे हो ऐसे चमत्कार कैसे हो जाएगा, हो ये तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है। उसका एक उत्तर है,
जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी और चमत्कार हो जाएगा। चिन्ह और चमत्कार होंगे, चिन्ह और चमत्कार होंगे आपके ऊपर, इस चर्च के अंदर आप पर भी पवित्र आत्मा उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य छाया करेगी। जितने यहां बैठे हुए हैं और आप लोग भी जो घरों में हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रदान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेंगे और आपके लिए परमेश्वर चमत्कार करेंगे। आज जैसे सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा, आज परमेश्वर तेरे लिए चमत्कार करेंगे। आपके बिजनेस को परमेश्वर फलवंत करेंगे, आपकी धन संपत्ति को परमेश्वर फलवंत करेंगे, आपके पशुओं को फलवंत करेंगे, आपकी खेती को फलवंत करेंगे, आपको नौकरी लेने में, जॉब लेने में मदद करेंगे, आपके घरों से आश्चर्य कर्म करते हुए, चमत्कार करते हुए लड़ाई झगड़े को खत्म करेंगे, आपको दुश्मनों से विजय देंगे, आप कोर्ट कचहरियों के जो केस हैं उनमें विजय पाएंगे। हर एक बीमारियां, हर एक गांठे, ट्यूबर, रसौलियां, पथरियां प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकलेंगे, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से भागेंगे, पाप क्षमा होंगे, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा, परमेश्वर के साथ मेल होगा, आप परमेश्वर के हो जाएंगे। और आप सोचेंगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मरियम की तरह ये कैसे होगा, ये ऐसा चमत्कार मेरे लिए कैसे होगा। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे, परमेश्वर की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुझे सामर्थ मिले। भजन संहिता 68 में लिखा है, 68:28 में, जो शुरू में हम लोगों ने वचन पढ़ा था, बस पढ़ना नहीं, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि तुझे सामर्थ मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मुझ पर आग किसी जीभे फटती हुई ठहर जाएंगे, आज मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, आज मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, और जैसे पवित्र आत्मा मुझे बोलने की सामर्थ्य देगा, मैं नए नए भाषा बोलने लग जाऊंगा, 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 अन्य नए भाषा बोलने लग जाऊंगा। और अब समय वो आ गया है, अब समय वो आ गया है, खबर नमा जहां से सामर्थ निकले और जितने लोग बीमार वो चंगे हो जाएं, यहां से सामर्थ निकले और जितने भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं वो चंगे हो जाएं, अब समय आ गया है, यहां से सामर्थ निकले और आपकी सारी समस्याएं दूर, सामर्थ उतरे और आपके लिए चमत्कार हो जाए। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जिस समय के लिए तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ मिले, जिस समय के लिए तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुझे सामर्थ मिले, जिस परमेश्वर ने आज्ञा दी थी तुझे सामर्थ मिले, वो समय आ गया है। इसलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइएगा, कितने लोग सामर्थ चाहते हैं, कितने लोग सामर्थ चाहते हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा को चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। निम्मति बिरी रे बिशे रे बिरी बिशे दबा लबा 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 पूरी बिरी 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 रे बिशे दबा लबा 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 लबा। पर यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती थी, रिबना सा खबर लबा। और प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ आपको देना चाहते हैं, जो सामर्थ प्रभु यीशु के अंदर से निकलकर लोगों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते। आप में से कई लोग कहते हैं, ओ मेरे मेरी बीमारी निकल जाए, मेरी बीमारी निकल जाए, मेरी बीमारी निकल जाए,
उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, मारा भूत निकल जाए, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। जिस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे, बीमारियों को चंगा करते थे, वो सामर्थ आपको देने की आज्ञा हुई है। हालेलुया, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ्य मिले, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि मुझे सामर्थ्य मिले, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि मुझे सामर्थ्य मिले, परमेश्वर ने बोलिए, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि मुझे सामर्थ्य मिले, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि मुझे सामर्थ्य मिले, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि मुझे सामर्थ्य मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले। रस भरोसो को पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम समझ भर जाओगे, आप पर आ किसी जीभ फटती हुई दिखाई देंगी और जैसे पवित्र आत्मा आपको बोलेंगे सामर्थ्य का, अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे। इसलिए सब लोग ध्यान दें, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जैसे जो हम लोग यहां से कह रहे हैं उस पर लगाइएगा। जो भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप मेरी ओर ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि आज आग किसी जीपे आप पर फटती हुई, आप पर स्वर्ग से आती हुई दिखाई देगी। आप में से बहुत से लोगों को आज स्वर्ग से जैसे आग आग के टुकड़े होते हैं आग से उतरती हुई दिखाई देगी और वो आप पर ठहर जाएगी। कुछ लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा की आग आ रही है और चर्च के सभी लोगों के ऊपर आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के दर्शनों को आज पाएंगे आप लोग, प्रभु यीशु मसीह के दर्शनों को पाएंगे और पवित्र आत्मा आप पर आएगा और जैसे पवित्र आत्मा को बोलने की शक्ति देगा आप अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे, आप अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे। आज अन्य भाषा पाने का दिन है, आज पवित्र आत्मा पाने का दिन है, आज सामर्थ्य पाने का दिन है, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि तुझे सामर्थ्य मिले, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि तुझे सामर्थ्य मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि तुझे सामर्थ्य मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि तुझे सामर्थ्य मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि तुझे सामर्थ्य मिले, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। और वो सामर्थ आपकी बीमारियों को चंगा करेगी, वो सामर्थ आपके दुष्ट आत्मा को निकालेगी, वो सामर्थ आपके घरों से रोने को दूर करेगी, वो सामर्थ आपके गरीबी से आपको बाहर निकालेगी, वो सामर्थ आपको अनंत जीवन देगी। रे परसो गुरु सिखा बरा सबा लसा खबरा सबा ओया पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, ओ हालेलुया आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में। हालेलुया आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच। हालेलुया आ
बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में पुत्र आत्मा में भक्ता पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाइएगा। अभी हम समाप्त करने वाले नहीं हैं। आज आप पर आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई देंगी आपको। अभी आप अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाइए और मेरी आवाज को सुनिएगा। मेरी आवाज को सुनिए। आप पर आग किसी जीभें जैसे पेंतिकुस्त के दिन हुआ फटती हुई दिखाई देंगी, यानी कि स्वर्ग से आग के टुकड़े जहां आग आपके ऊपर आती हुई आपको दिखाई देंगी और आप पर ठहर जाएगी। इसी समय यही हो रहा है, स्वर्ग से आग उतरती हुई आपको दिखाई देगी जो आपके ऊपर ठहर जाएगी और आप ये भी देख रहे हैं कि वो आग पूरी चर्च के ऊपर ठहर रही है। इसी समय प्रभु यीशु मसीह जी दर्शन दे रहे हैं। आग स्वर्ग की आग पवित्र आत्मा की आग कहूं तो चर्च के ऊपर आ रही है, आपके ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है। इसी समय पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है। इसी समय पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है। इसी समय मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की आग को आपके ऊपर आता हूं। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है और इस चर्च में पवित्र आत्मा आ रहा है। पूरा चर्च पवित्र आत्मा से भर रहा है, पूरा चर्च आग से भर रहा है। रिपरिसि बिरिसि खला बारे ला बारे देबे रे बिति बिति के रे बिशि दे बिरि रे बिशि दे बाले लबा। स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आग उतर रही है, स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आग उतर रही है आप पर। उसे ग्रहण करें, उसे ग्रहण करें। स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आग उतर रही है आप पर, उसे ग्रहण करें, उसे ग्रहण करें। क्योंकि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ मिले। आज आपका सामर्थ पाने का दिन है, आज आपका पवित्र आत्मा पाने का दिन है। आप पर पवित्र आत्मा उतर रहा है, आप पर पवित्र आत्मा उतर रहा है। आपके लिए स्वर्ग से पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। इसी क्षण, इसी क्षण, इसी वक्त, इसी पल स्वर्ग से पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है।
इसी वक्त पवित्र आत्मा आप पर ऊपर उंडेला जा रहा है, इसे ग्रहण करें, क्योंकि जब सामर्थ आपको छुएगा आपकी बीमारियां रोग सारे दुख पीड़ा खत्म हो जाएंगे। इसी वक्त चर्च के ऊपर मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर, एक कलीसिया पवित्र आत्मा की आग को आपके ऊपर मैं आता हुआ देख रहा हूं। इसी समय आप पर पवित्र आत्मा उतर रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा आप पर उतर रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए, आज वो प्रतिज्ञा आपके लिए पूरी हो रही है जिस प्रतिज्ञा के बारे कहा था परमेश्वर ने कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज ग्रहण करें पवित्र आत्मा को, 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 आप ग्रहण करें पवित्र आत्मा को। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। और जैसे पवित्र आत्मा आपको बोलने की शक्ति दे रही है, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आप भी अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे। अभी पवित्र आत्मा पर उतर रहा है और अभी आप अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू हो जाएंगे। अभी आपको जो वरदान दिया जाता है, अभी अन्य भाषा का वरदान आपको दिया जाता है, अभी अन्य भाषा का वरदान दिया जैसा, जैसे आपको पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य आप बोलना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद परमेश्वर जी पवित्र आत्मा के लिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब सामर्थ पाएंगे हम, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरेगा हम सामर्थ पाएंगे। और आप पवित्र आत्मा उतर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। आप इधर की उधर की बातें ना सोचें, आप निराशा में ना पड़े रहें, आप ये ना सोचेंगे मुझे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आज पेंतिकुस्त के दिन जैसे सबको मिला था, आज आप सबको परमेश्वर पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, बस आज आप ग्रहण कर लीजिए, 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 आज आप ग्रहण कर लीजिए। रूबरा सबरा सखबर नमा, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए, सामर्थ को ग्रहण कीजिए, सामर्थ, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तुझे सामर्थ मिले। होरी बाला बारा रा बाबा, ओ जैसे पवित्र आत्मा आपको बोलने की शक्ति देता बोलना शुरू करें, जैसे पवित्र आत्मा आपको बोलने की शक्ति देता बोलना शुरू करें, अब बोलना शुरू करें, अब बोलना शुरू करें। जैसे पवित्र आत्मा को बोलने की शक्ति दे रहा बोलिए, चाहे आपको अन्य भाषा का एक शब्द आ रहा बोलिए, आप शर्माइए मत। यहां से खाली नहीं जाना, शर्माइए मत, शर्माइए मत, आप बोलिए। एक शब्द है तो एक शब्द बोलिए, जो भी अन्य भाषा का आपके मुंह से निकलता तो उसे बोलिए। यह मत सोचिएगा मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, आप बोलना शुरू कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए। ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा मेरे लिए है, प्रतिज्ञा परमेश्वर की मेरी संतान के लिए है। आज मैं सामर्थ पाकर बलवंत हो जाऊंगा, आज मैं सामर्थ पाकर बलवंत हो जाऊंगा। होरी बारा बारा बा बारा तबारा रबा तेरे बेत के रेबे रिसा बाला बारा बारा रबा रेबे रेबे तेरे बेत के रेबे रिसी बेरे रेबे थे बेरे रेबे तेरे बेत के रेबे शिदा बाला बाला ला बाला ला बाला ला बा आ सामर्थ 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 को पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है आप पर। और इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य निकलकर आपके रोगों को चंगा करती है। किसी के भी कोई भी बीमारी है, किसी के भी कोई भी बीमारी है, किसी के भी कोई भी बीमारी है, अपने दिल पर हाथ रखें, किसी के भी कोई भी बीमारी आपके दिल पर हाथ रखें, किसी के कोई भी बीमारी आपके दिल पर हाथ रखें, किसी के कोई भी बीमारी अपने दिल पर हाथ रखें,
चाहे वो दर्द है, चाहे वो गंठे हैं, कोई भी बीमारी में नाम नहीं ले रहा। किसी के कोई भी बीमारी है, अपने दिल पर हाथ रखें, अपनी छाती पर हाथ रखें। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निकलकर आपको चंगा करने वाली है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे वो चंगे किए जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। आज भी वो सामर्थ, आज भी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको चंगा कर रही है। आज वो सामर्थ निकलेगी और आपको चंगा करती है। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय आपकी गांठें निकल रही हैं। किसी का कोई भी गांठ है, रसौलियां, ट्यूमर है, इसी समय वो गांठें, रसौलियां, ट्यूमर निकल रहे हैं। अभी 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 इसी वाले आप सोचेंगे चमत्कार कैसे हो सकता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ बाहर निकलकर यहां से सामर्थ बह रही है, स्वर्ग से सामर्थ बह रही है और आपको चंगा करती है। प्रभु यीशु के नाम से गांठे निकले बाहर, रसौलियां, ट्यूमर बाहर निकले। इसी वक्त पथरियां निकले प्रभु यीशु के नाम से बाहर, पथरियां प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकले। ऐसा रसौलियां, गांठो प्रभु यीशु के नाम से निकले। तेरा जहां कोई अधिकार नहीं है। पांव से लेकर सिर तक की हर प्रकार की दर्द निकल रही है, क्योंकि प्रभु की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ चंगा कर रही है। ऐसी दर्द प्रभु यीशु के नाम से शरीर को छोड़ निकल। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से सारी दर्द निकल। यहां पर परमेश्वर की सामर्थ है और वो सामर्थ में चंगा करती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ में चंगा करती है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलकर तुम्हें चंगा करती है। रबरा सबला सखा बरो सबरो सिखा बरा रबा ओ हालेलुया री बिरी बिरी रे बेत करे रे बेत रे बेत करे रे मिशे रबा 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 रबा। प्रभु यीशु मसीह हर एक कैंसर की बीमारी से तुम्हें चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह लीवर की बीमारियों से तुम्हें चंगा करते हैं। सारी लीवर की बीमारी पर यीशु के नाम से निकल। कैंसर की बीमारी पर यीशु के नाम से निकल। सारी कैंसर की बीमारियां, लीवर की बीमारियां से प्रभु यीशु मसीह आपको इजाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी किडनी को चंगा करते हैं, तुम्हारे गुर्दों को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी किडनी को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी तुम्हारे लंग्स जो है, फिफड़े हैं, उन्हें चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी पेट की बीमारियों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से सारी पेट की बीमारियां निकले, 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 निकले। तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं है। पेट की बीमारियां पर यीशु के नाम से निकले। किसी के कानों की बीमारियां हैं पर भी यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं। सामर्थ आप पर आएगी और आप चंगे हो जाएंगे। पर भी यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। पर भी यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। पर भी यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। आपके कानों की बीमारियों से चंगा करते हैं। आपके आंखों की बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। आपके दिमाग की परेशानियों का प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से सिर की हर एक बीमारी निकल। सिर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल। आंखों की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल। कानों की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल। गले की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से निकलो। हर प्रकार का बुखार निकले, खांसी निकले, कोरोना की बीमारियां निकले। चेस्ट प्रॉब्लम, छाती के रोग पर यीशु के नाम से चंगे किए जाएं। आज पर यीशु के नाम से दिल की बीमारियां चंगी हो। पर यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। पर यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। पर यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। पर यीशु मसीह तुम्हें सफलता देते हैं। पर यीशु मसीह तुम्हें सफलता देते हैं। तुम्हारे तुम्हारे वीजा लगने में मदद करते हैं। जो विदेशों में है उन्हें पक्का होने में पर यीशु मसीह मदद करते हैं। आप आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। हालेलुया। ओ रबारा बाबारा दबारा रबारे जो सेवकाई में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा देते हैं, आपको वचन देते हैं, आपकी कलीसिया बढ़ेंगी, फलेंगी, फूलेंगी। हालेलुया। रो बो रो बारे दबाला बाला बारे रबारे दे मेरे डेबे तेरे बित के डेबे रास्ता बाला बाला लबा। जिनकी शादी में रुकावटें हैं, प्रभु यीशु मसीह जी उन्हें अच्छी जगह पर शादी होने में मदद करेंगे।
जिन्हें एक पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने जॉब और नौकरी का इंतजाम करते हैं। जिनके ऊपर कर्जा है, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत तरीके से उस कर्जे को उतारते हैं, सारा कर्जा प्रभु यीशु के नाम से निकले। जिनके पास अपना घर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना घर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना घर देते हैं। जिनके पास अपना घर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपको धन की आशीष देते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई की आशीष देते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखते हैं। ओ हालेलुया रे बारा बाबारा थाबारा साखा बारा दो तो बोरो बो सीधा बाला बाला लबा पवित्र 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 परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। और अब वो समय है अगर किसी में भी दुष्ट आत्माएं हैं, रिबना सा बरा सा खबल लबा, किसी में भी दुष्ट आत्मा है वो जलेंगे, चीखेंगे, चलाएंगे, वो जलेंगे, चीखेंगे, चलाएंगे। किसी में भी दुष्ट आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकल दी थी, परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकल दी थी, परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य निकल दी थी, और दुष्ट आत्मा चलाने लग जाती थी, चीखने लग जाती थी, चीखने लग जाती थी, दुष्ट आत्मा चीखने और चलाने लगती थी। इसलिए आज मैं कहता हूं परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर मसीह जी के पवित्र नाम से, परमेश्वर मसीह जी के सामर्थ्य नाम से, अगर किसी में भी दुष्ट आत्मा है, कोई भी मसानी मसानी का बाप, किसी में भी कोई भी दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं वो प्रकट हो जाए। अगर किसी में कोई दुष्ट आत्मा है वो प्रकट हो जाए और उसे आग लगे, इसी समय उसे आग लगे, स्वर्ग से सामर्थ्य उतरे और वो चल जाए, दुष्ट आत्मा जले, दुष्ट आत्मा जले, दुष्ट आत्मा को आग लग जाए, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को आग लग जाए। किसी में भी कोई भी दुष्ट आत्मा से आग लग जाए, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा प्रकट हो जा, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा तुझे आग लगे, प्रभु यीशु के नाम से किसी में भी दुष्ट आत्मा है वो आग से जल जाए, पवित्र आत्मा की आग से जल जाए, किसी में दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से उसे आग लग जाए। ओ यीशु नाम दे लगन जकारे भूतां नू वेखो अग लगदी, ओ यीशु नाम दे लगन जकारे भूतां नू वेखो अग लगदी, ओ यीशु नाम दे, ओ यीशु नाम दे लगन जकारे भूतां नू वेखो, ओ यीशु नाम दे लगन जयकारे भूतां नू वेखो अग लगदी, यीशु नाम दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्ट आत्मा जल जाए, सारी जादू टोने की ताकत पर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। किसी को कोई भी कुछ खिलाया पिलाया गया जादू टूना है, पर यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए, उसका प्रभाव खत्म हो जाए, इनके घरों से दुष्ट आत्मा निकले, इनके घरों से दुष्ट आत्मा निकले, प्रभु यीशु के नाम से इनके घरों से दुष्ट आत्मा निकले, इनके बिजनेस से दुष्ट आत्मा निकले, इनके शरीरों से दुष्ट आत्मा निकले प्रभु यीशु के नाम से, इनके बिजनेस से दुष्ट आत्मा निकले प्रभु यीशु के नाम से, खबर नमा, इनके घरों से दुष्ट आत्मा निकले प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकले, 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 इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके शरीरों से, इनके बिजनेस के, इनके धन संपत्ति से, इनके खेती से, इनके पशुओं से, हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह से। अरे बारा सा खबर नमा, जो भी लोग बांझ हैं, प्रभु यीशु के नाम से बांझपन की बीमारी निकले और वो लोग फलवंत हो, प्रभु यीशु के नाम से लोग फलवंत हो, प्रभु यीशु के नाम से जिनके संतान ने संतान मिले, जिनके बेटा ने बेटा मिले,
परमेश्वर के नाम से बेटा मिले, जिनके संतान उन्हें संतान मिले परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से जिनके परिवार में तलाक की नौबत आई वो तलाक की नौबत हट जाए परमेश्वर के नाम से, जब मिलकर रहे रोसा बाला सखा बाला सखो ऋषि बिरिशिता बाला 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 लबा ओ हालेलुया। और अब अपना ध्यान प्रभु की ओर फिर लगाएं, क्योंकि आज तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है को तुझे सामर्थ मिले, तुझे सामर्थ मिले, मुझे सामर्थ मिले, मुझे सामर्थ मिले, मुझे सामर्थ मिले।